आज मैं बना रही हूँ ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और बिना भूख के भी भूख लग जाएगी और एकदम फुले फुले हुए सॉफ्ट बनेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे मैं दो कप मैदा ले रही हूँ अब इसमें आधा से एक छोटा चम्मच के बराबर लगभग इसमें हम चीनी का पाउडर डालेंगे चीनी पाउडर और हल्का सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें चौथाई छोटी चम्मच लगभग और आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और दो छोटा चम्मच यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे आप चाहे तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं अब आधा कप इसमें हम दही डाल देंगे दही डालने के बाद सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें हम पानी डालकर इसका सॉफ्ट मुलायम डो तैयार कर लेंगे तो डो को आप इसी तरीके से अच्छे से मसल मसल कर तैयार करें जितने अच्छे से आप डो को मसल मसल कर तैयार करेंगे ना उतनी ही रेसिपी आपकी एकदम सॉफ्ट बनेगी और यहाँ पर शुरू में ये डो है आपके हाथों में चिपकेगा लेकिन जैसे जैसे आप इसे इस तरीके से गूंथते जाएंगे ना ये डो है आपके हाथों को छोड़ता जाएगा आप चाहे तो हल्का सा तेल भी अपने हाथों में लगा सकते हैं हथेलियों में और इसी तरीके से डो को एकदम अच्छे से मसल मसल कर गूंथना जब तक कि डो में अच्छा लचीलापन ना आ जाए यानी कि जब आप डो को खींचे तो वो टूटना नहीं चाहिए वो खींचना चाहिए और जल्दी टूटे नहीं तो यहाँ पर देखिए सॉफ्ट लचीला डो बनकर तैयार है उंगली से इस तरीके से दबा रही हूँ तो ये ऊपर की ओर डो आ रहा है बस ऐसा ही डो तैयार करना है गुद के अब इसमें हम हल्का सा तेल लगा देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम गीले कपड़े से ढक देंगे लगभग आधे घंटे के लिए आप चाहे तो घंटे दो घंटे के लिए भी इसे रेस्ट पर छोड़ सकते हैं स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर चार उबले हुए आलू को ग्रेट कर लिया है और इसमें एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे आप चाहे तो हरी मिर्च को भी यहाँ काट कर डाल सकते हैं एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर एक छोटा चम्मच आमचूर डाल देंगे दो छोटा चम्मच यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देंगे अगर हरा धनिया है तो आप यहाँ पर बारीक काट के हरा धनिया भी डाल दें इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे अब यहाँ पर मैं ग्रेट किया हुआ आधा कप गाजर डाल रही हूँ इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ एक प्याज डाल देंगे तो प्याज को एकदम बारीक काट कर ले और वन थर्ड कप यानी कि एक तिहाई कप मैं यहाँ पर ग्रेट किया हुआ वीट डाल रही हूँ गाजर और वीट डालेंगे ना तो इससे क्या होगा कि स्टफिंग है वो हेल्दी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी आप चाहे तो सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं अब इसमें नमक डालकर इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा हेल्दी टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार है इधर डो को भी रखे हुए आधा घंटा हो चुका है ये देखिए कितना सॉफ्ट डो तैयार हुआ है तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर आधा डो ले रही हूँ और इसे मैं मसल लूँगी तो जब आप डो आधे घंटे रेस्ट के लिए रखें ना या घंटे दो घंटे के लिए तो डो को एक बार फिर से आप मसल लें थोड़ी देर आप चाहे तो पूरा डो एक ही बार में मसल सकते मैं यहाँ पर आधा आधा करके कर रही हूँ अब हम डो को इस तरीके से मसल लेंगे उसके बाद इसके हम पीस कट कर लेंगे तो जितना साइज आपको रखना हो उस हिसाब से आप इसके पीस बना लें अब क्या करेंगे कि इसे हम इस तरीके से ना चिकना गोला बना कर रख लेंगे तो सारा जो डो है उसका इसी तरीके से हम पीस कट कट के इसके गोले बनाकर हम तैयार कर लेंगे पहले ये देखिए तो यहाँ पर ना आठ गोला मैंने तैयार कर लिया मैदे का अब सूखा मैदा में इस गोले को हम इस तरीके से लगा लेंगे और इसकी कटोरी सेप का हम बना लेंगे कटोरी सेप का बनाने के बाद अब हमने जो स्टफिंग बनाया है स्टफिंग लेंगे और इस मैदे में इस तरीके से हम डाल देंगे बीच में और अच्छे से दबा देंगे स्टफिंग को उसके बाद इस तरीके से मैदे को घुमाते हुए हाथ से हथेली पर रख कर बंद कर देंगे अच्छे से एकदम पैक कर देना मैदे को जिससे क्या होगा ना कि स्टफिंग अंदर अच्छे से पैक हो जाएगी ये देखिए पैक करने के बाद हल्का सा मैदे को इस तरीके से फ्लैट कर देंगे हल्का हल्का ऊपर से प्रेशर देके जिससे स्टफिंग अंदर अच्छे से फैल जाएगी अब बेलन से इसे बेलेंगे तो हल्के हाथों से इस तरीके से घुमा घुमा के बेले एकदम जोर से प्रेशर लगा कर नहीं बेलना नहीं तो स्टफिंग वो बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पर देखिए मैंने बेल लिया है तो साइज तो जैसा रखेंगे उस हिसाब से आप रख सकते हैं स्टफिंग दिखने लगे उतना बेलना है बेलने के बाद इसमें हम पानी से हल्का हल्का गीला कर लेंगे उसके बाद हम इसमें मंगरेला या कलौजी जो भी बोलते हैं आप लगा ले और यहाँ पर मैं कसूरी मेथी उसके बाद लगा रही हूँ आप चाहे तो हरा धनिया भी लगा सकते हैं और इसे लगाने के बाद एक दो बार बेलन से हम हल्का चला लेंगे उसके बाद दूसरे साइड भी पलट के ना इसमें हम हल्का हल्का पानी इस तरीके से अपनी उंगलियों से लगा लेंगे जिससे क्या होगा कि इसमें नमी रहेगी दोनों साइड अब हम तवे को गर्म करेंगे और इसमें इस तरीके से जिस साइड हमने सिर्फ पानी लगाया ना उसे तवे पर डाल देंगे और तवे पर डालने के बाद इसमें हम हल्का हल्का सा पानी डाल देंगे साइड साइड से और हल्का सा ऊपर भी डाल दें और इसे ना एक ढक्कन से अच्छे से ढक दे जिससे क्या होगा कि अंदर स्टीम बनेगा हमने जो न, पानी डाला है और ढकेंगे ना तो ये फूलता भी है एकदम सॉफ्ट बनेगा और पकेगा और लगभग आधे से एक मिनट के लिए ढके जब आप ढक रहे हो तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें और यहाँ पर देखिए ये जो कुलचा है हमारा एक साइड सिक चुका है कितना अच्छा कलर आया है और गुब्बारे की तरह फूल भी रहा है तो दूसरे साइड भी ऐसे ही इसे हम सिकने देंगे ब्राउन कलर आने तक तो जिस साइड हमने पलटा है उस साइड हम पहले यहाँ पर घी या बटर लगा लेंगे और देखिए दूसरे साइड भी अच्छे से सिक चुका है और एकदम गुब्बारे की तरह फूल चुका है तो जब इस तरीके से कुलचा फूलता है बनता है ना तो एकदम सॉफ्ट बनते हैं और जो दूसरा साइड है उस साइड भी हम घी बटर लगा देंगे घी या बटर ना हो तो आप तेल ही लगा ले तो कुलचा को पहले दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन कलर होने तक सेक ले उसके बाद घी या बटर, तो पर पर बटर लगा दे रही हूँ आप चाहे तो अच्छे से सेक से ब्राउन कलर होने तक और से निकालने के बाद आप लगा ले। लेकिन तबे पर लगाने से क्या होता है ना कि ये अच्छे से घी बटर लग जाते हैं और उसके बाद अगर कहीं भी लग रहा हो कि कम पके हुए हैं तो इसे अच्छे से अलट पलट कर इस पर सेक ले और यहाँ पर इसी तरीके से हम दूसरा कुलचा भी बनाकर तैयार कर लेंगे तो इस तरीके से जब आप कुलचे का डो तैयार करते हैं स्टफिंग बनाते हैं ना तो हर कुलचा आपका एकदम सॉफ्ट फूला फूला हुआ बनेगा और ठंडे होने के बाद भी ये सॉफ्ट रहेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा टेस्टी हेल्दी कुलचा बनकर तैयार है और मैं दिखाती हूँ ये लगभग ठंडे हो चुके हैं मतलब पंद्रह बीस मिनट के बाद का मैं दिखा रही हूँ और ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं अभी भी तो ठंडे होने के बाद आप घंटे दो घंटे के बाद भी खाएंगे ना तो ये कुलचे ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे ये देखिए सारे कुलचे एकदम सॉफ्ट और फुले फुले हुए बने हैं तो यहाँ पर मैं स्टफिंग भी दिखाती हूँ अंदर स्टफिंग भी कितने अच्छे से भरा हुआ है एकदम हर तरफ स्टफिंग इसमें फैला हुआ है तो फिर देर किस बात की आप भी बनाएं खाएं इंजॉय करें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ